मैम जी बन तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक माई चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कसौली शिमला हाईवे पे। तो सुबह अभी बज रहे हैं 7, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही लाइट देखते हैं कैसी होती है हमारी। और मुझे भी भूख से लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने ब्लॉग भी बन जाएगा आपके लिए। और थोड़ा घूम, यहाँ में मौसम भी अच्छा हो रखा है, बादल हो रखे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ घर से, और आधे घंटे में हम अपनी लोकेशन में पहुँच जाएंगे। सो फाइनली देखिए हम शिमला वाले हाईवे पे आ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये चक्की मोड़ से थोड़ा सा पहले ही आता है। तो हम यहाँ पे अपने लगाएंगे बाइक पार्किंग में।
चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने लोकेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी पॉइंट। बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा शानदार रेस्टोरेंट है। मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ, इनके चाय और पराठा बहुत ही फेमस है और मैगी। जब भी मैं शिमला या इधर सोलन में कहीं भी ऊपर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक बार ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन जो व्यू आपको देखने को मिलेगा ना, सच में बहुत ही औसम है यार, बहुत ही औसम। जी तो उसे आपका नाम क्या है? हाँ जी इंदर, थोड़ा सा जोर से बोलिए और इस ये जगह के बारे में बताइए, कहाँ पे पड़ती है ये? शिमला रोड पे। शिमला रोड पे, ओके। और आपके पास क्या क्या है खाने में? मैगी, चाय है, मैगी है, ओके। आमलेट, आमलेट नॉन वेज? नॉन वेज नहीं है, ओके, वेज मिल जाएगा। चाय पराठा, चाय पराठा वो पराठा तीन किस्म का है, ओके। आलू का है, प्याज का है, गोभी का है, और अगर पनीर का लेना तो पनीर का। अच्छा, आलू प्याज गोभी और पनीर का पराठा आप देख, ठीक है, चलो बढ़िया। और चाइनीज आइटम भी साथ तैयार करने हैं तो वो भी उस टाइम वाले। अच्छा, चाइनीज आइटम भी आप रख रहे हो? रख रहे हो, ओके। अभी अवेलेबल है? अभी नहीं, बस एक इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस वीक में, चलो ठीक है भाई, चलो आपसे बात करते हैं। अभी हम चाय और मैगी खाएंगे और फिर चाय मैगी खा के निकलते हैं अपने घर को, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, बारिश हो रही है। तो चलिए चाय मैगी खा लेते हैं, उस बहुत जोर से मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो आज का व्लॉग हमें यहाँ पे अभी ख़त्म करना पड़ेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो अभी हमें जाना होगा क्योंकि बारिश भी शुरू हो चुकी है, और चलते हैं अपने घर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।